हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मेरी बेटी के लिए जो आज मैंने लंच बॉक्स बनाया था वो शेयर करूंगी आपके साथ। उसमें मैंने बनाया था आज चीज़ और गोभी का पराठा, जो उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने आज उसके लिए बनाया और बहुत खुश हो गई थी वो। तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने गोभी को अच्छे से साफ करके धोकर ले लिया है और इसे हम अब एक बारीक वाला जो ग्रेटर आता है उससे हम इसे ग्रेट कर लेंगे। देखिए, मैंने सारा ग्रेट कर लिया है। जो मोटा हिस्सा है इसे हटा देंगे, इसे कोई सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए, अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसे मिक्स कर लेंगे और इसे 5 मिनट के लिए रख देंगे। 5 मिनट में ये पानी छोड़ देगा। ये देखिए, 5 मिनट बाद मैंने ये कपड़ा लिया है कॉटन का धोकर, और इसे मैं डाल दूंगी पूरा इसमें। अच्छे से इसे निचोड़ कर इसका पानी निकाल लेंगे। अब देखिए, ये ले लिया है मैंने आटा, इसमें थोड़ा सा नमक डाला है और जो ये गोभी का पानी बचा था ये भी इसी में डाल के ज़रूरत के अनुसार पानी डालेंगे। इसका सॉफ्ट डो लगा लेंगे, ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा कड़क। इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, ढककर रख देंगे। तब तक हम इसका मसाला रेडी कर लेते हैं। ये देखिए, इसे निकाल लिया है मैंने। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं करेंगे हम, थोड़े थोड़े मसाले ही डालना है हमें। थोड़ा सा अदरक ले लिया है मैंने, ये लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा नमक। धनिया पत्ती भी डाल देंगे हम इसमें थोड़ा सा। अब हम इसमें एक चीज़ का क्यूब ग्रेट करके डालेंगे। तो चलो इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आटे को भी सॉफ्ट कर लेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए, एक मैंने मीडियम साइज का लोई ले लिया है। अब इसे हम आटा लगा कर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर इसमें हम स्टफिंग डालेंगे। गोभी का पानी हमने निकाल दिया था इसलिए फटने वाली दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। नहीं तो कई बार ऐसा होता है पानी पानी हो जाता है और फिर हम जब बेलते हैं तो पानी बाहर आ जाता है। तो आप ये प्रोसेस ज़रूर कीजिए कि मतलब नमक डाल के रखिए और उसका पानी निकाल दीजिए। ये देखिए, जैसे आलू का पराठा बनाते हैं हम उसी तरह से इसे भी बंद करना है और फिर हमें इसे हल्का सा दबा के आटे में लगा के इसे आराम आराम से बेलना है। ज़्यादा जोर लगाना नहीं है बेलते समय, एकदम हल्के हाथों से बेलना है इसे। ये देखिए, इस तरह से कुछ एकदम आराम आराम से बेलिए आप इसे, तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और ये बहुत अच्छे बनेंगे। ज़रूरत के अनुसार थोड़ा बहुत आटा लगाइए ऊपर इसके और इसके बेल लीजिए। ये देखिए, मैंने बेल लिया है इसे, बहुत अच्छा बेला था ये। ये देखिए, बिल्कुल भी बाहर नहीं थी स्टफिंग। और ये मैंने इसे सेकने के लिए रख दिया है, अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेकिए आप। या तेल जो यूज़ करना है वो कीजिए, आपको जो पसंद है, या बच्चे के लिए बना रहे हैं उसे जो पसंद है उसमें बनाइए आप इसे। मैंने टिफिन में उसे टोमेटो सॉस और शेजवान चटनी के साथ दिया था। तो चलो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।